हाय फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक जो है वो हुक्स ला है, यानी कि हुक्स यानी कि रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिजिक्स के फील्ड में, और उन्होंने हमें जो है हुक्स ला के बारे में क्या आइडिया दिया है। तो बेसिकली उन्होंने स्टडी की डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की और फिर उन्होंने हमें एक ला दिया। तो उस हुक्स ला के अंदर हुक क्या कहता है? तो हुक्स ने जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज को चेक किया। उसने जो है कुछ मेटेलिक वायर लिए, मेटेलिक रॉड लिए और कुछ कॉइल स्प्रिंग ली। तो स्प्रिंग, मेटेलिक वायर्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की उसने जो है इलास्टिसिटी चेक की और फिर उसने जो है कुछ हमें कंक्लूजन बताया। उसने हमें जो है नट शेल में उसका रिजल्ट बताया कि उसने जब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्टडी की तो उसने उसके अंदर क्या पाया। उसने ये देखा कि जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर इस तरह से देखते हो कि आप जब उसको फोर्स लगाते हो तो फोर्स के कारण उसमें क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो उसने वहाँ पे ये देखा कि जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हो, यानी कि फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते हो, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्टॉर्शन आ रही है या जो क्या कहते हैं हम, डिफॉर्मेशन हम कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो कॉन्फिग्रेशन चेंज हो रही है वो भी धीरे धीरे चेंज होती जाती है। यानी कि अगर मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो उसने हमें कहा कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एफ लगा रहे हो, और ये फोर्स कौन सी है, ये बाहर की फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, हुक्स ने ये देखा कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से लगा रहे हो तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है उस एक्सटेंशन को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। तो उसने कहा ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर आप फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो उसकी वजह से जो एक्सटेंशन होगी वो भी धीरे धीरे क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो उस फोर्स के कारण अगर उसकी लेंथ एक्स बढ़ गई, यानी कि उसकी एक्सटेंशन कितनी आ गई, एक्स। तो उसने कहा कि अगर आप फोर्स को भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाओगे तो एक्स भी क्या होगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा, बट विद इन अ इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। इलास्टिक लिमिट के अंदर का मतलब यही है क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाहर हम जा नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम उसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है या ऑब्जेक्ट जो है ब्रेक भी हो सकता है। तो हुक्स ने ये हमें कहा कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो इलास्टिक लिमिट के अंदर तो उस फोर्स के कारण उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब अगर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड डबल करूं यानी कि मैं 2F लिखूं तो उसके कारण अब जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई वो भी क्या होगी, वो 2X होगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड अब 3F करूं और उसके कारण जो अब उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, 3X। तो इसी को हुक्स लाने जो है डिफाइन किया। अब हम जो है इसको अच्छी तरह से किस तरह से समझते हैं, हमें पता है कि जो एफ है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और डिफॉर्मिंग फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसके कारण उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस। और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, एक्सटेंशन का मतलब होता है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब है डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्ट्रेन। इसका मतलब ये जो एफ है, ये जो फोर्स लग रही है, ये किस चीज़ को यहाँ पे जो है किस चीज़ को डिफाइन कर रही है, ये स्ट्रेस को डिफाइन कर रही है, और जो इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है यानी कि जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है एक्स, उसको हम कहेंगे स्ट्रेन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम इस फोर्स एफ की जगह यहाँ पे डायरेक्ट जो है स्ट्रेस लिख सकते हैं, और इस एक्स की जगह यहाँ पे स्ट्रेन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बाहर की फोर्स है इसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेस, और इसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो एक्स है, ये जो है एक्सटेंशन है, डिफॉर्मेशन है, और इसी डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो इसका मतलब
हम हुक्स लॉ के अंदर ये स्टडी करते हैं। हुक्स लॉ को हम इस तरह से आप जो है थोड़ा मॉडिफाई करके बता सकते हैं कि हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब तुम स्ट्रेस क्रिएट करते हो, स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हो, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसके अंदर जो अब स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तुम उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर देखते हो तो उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब मैं हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि एक ऐसा कांस्टेंट आता है जो ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है। इसको मैं लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट आएगा, उसको मैं मान लो मैं के लिखता हूँ, और इनटू स्ट्रेन। और जब मैं स्ट्रेस के डिवाइड में स्ट्रेन लूंगा तो वो हमें देगा के, यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, वो हमें जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है। इसका मतलब हुक्स लॉ क्या कहता है, लास्ट में फिर से डिफाइन करता हूँ। हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर देखते हो तो तुम्हें वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जब उसके अंदर तुम स्ट्रेस जितना क्रिएट करोगे वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। मैं इसको अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक पॉइंट की फोर्स लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं लूंगा, और स्ट्रेन तो यूनिट लेस होता है। मैं इसको पॉइंट में आपको समझाऊंगा जो ज़्यादा समझ आएगी। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक पॉइंट की फोर्स लगाई, तो एक पॉइंट फोर्स लगाने के कारण उसमें मान लो एक पॉइंट की डिफॉर्मेशन आ गई। अब मैंने क्या किया, दो पॉइंट की फोर्स लगाई, दो पॉइंट फोर्स के कारण उसमें दो पॉइंट का स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और तीन पॉइंट की फोर्स लगाई, तीन पॉइंट के कारण तीन पॉइंट का स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब जूं जूं मैं स्ट्रेस को बढ़ाता जाता हूँ स्ट्रेन भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये कहाँ तक होगा, इलास्टिक लिमिट तक। जो ही मैं इलास्टिक लिमिट के बाहर जाऊँगा तो मैं सडनली देखूंगा कि अगर मैंने स्ट्रेस को एक पॉइंट बढ़ाया है, स्ट्रेन दो तीन या दो चार पॉइंट सडनली इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हुक्स लॉ ने यही हमें बताया कि स्ट्रेन जो होता है, सॉरी स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जब हम इनका ग्राफ देखते हैं तो हमें इनका ग्राफ जो होता है वो लीनियर नज़र आता है। वो लीनियर क्यों नज़र आता है, वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेन को हमने अलोंग द एक्स डायरेक्शन लिया और अलोंग द वाई डायरेक्शन हमने स्ट्रेस को लिया। अब एज्यूम करते हैं हम स्ट्रेन को, हम वन पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, फोर पॉइंट, फाइव पॉइंट, और स्ट्रेस को हम इसी तरह से लेंगे, वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, फोर पॉइंट, बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं स्ट्रेस को एक पॉइंट बढ़ाता हूँ तो स्ट्रेन भी एक पॉइंट प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे आएगा। तो स्ट्रेस को मैं जब टू पॉइंट लूंगा, स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली टू पॉइंट आएगा, तो वो यहाँ पे ऐसा आएगा। तो स्ट्रेस को मैं जब थ्री पॉइंट बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन भी कितना प्रोड्यूस होगा, थ्री पॉइंट। तो अगर इसको मैं रफली ड्रा करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन इसीलिए आती है क्योंकि जितना मैंने स्ट्रेस बढ़ाया है उतना स्ट्रेन इंक्रीज हुआ, बट विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसको हमने अभी देखा कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसको मैं कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो है के,
ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ पे मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ डिपेंड कर रहा है, मीन कि मैंने इसका यूनिट देखना है, किसका यूनिट क्या आ रहा है। इस टाइम में स्ट्रेस स्ट्रेन के इक्वेशन से आ रहा है, तो इसका मतलब अब के का जो यूनिट होगा वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से होगा। लेकिन हमें पता है स्ट्रेन जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस है। इसका मतलब स्ट्रेस का अब जो यूनिट होगा वही इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा, और वो क्या है? वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये किस पे डिपेंड करती है? ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि उस मटेरियल के नेचर क्या है। तो वो किस नेचर का है, वो मटेरियल जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस नेचर का है, ठीक है, यानी कि उस मटेरियल का नेचर क्या है जिससे ये ऑब्जेक्ट बना है जिसकी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं। और ये किसी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसकी डायमेंशन कम है, ज़्यादा है, लेंथ है, वॉल्यूम है, कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू के, कि के जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की के की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब स्ट्रेन की वैल्यू कम होगी। अगर स्ट्रेन की वैल्यू कम होगी, स्ट्रेन की वैल्यू का कम होने का मतलब यही है कि उसमें डिफॉर्मेशन कम हुई, उसकी डिफॉर्मेशन कम हुई। और हमें पता है अगर डिफॉर्मेशन कम हो गई तो इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप देखोगे किसी ऑब्जेक्ट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें डिफॉर्मेशन क्या हुई है? कम हुई है। इसका मतलब हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी शेप को, उसके साइज को चेंज करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी अगर उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसका स्ट्रेन कम है। इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट अगर उसका स्ट्रेन कम है, तो इसका मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं होगी, यानी कि बहुत कम होगी। इसका मतलब अगर बहुत कम होगी, इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट की डिफॉर्मेशन क्रिएट करने में, कब? जब उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये था हुक्स लॉ के बारे में, और इसको मैं थोड़ा फिर से एक मिनट के अंदर फिर से थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करूँगा नटशेल में कि हुक्स लॉ ने हमें क्या बताया। हुक्स लॉ ने हमें ये बताया कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट के अंदर उसको फोर्स लगाते हो, तो आप जितना फोर्स लगाओगे उस फोर्स के कारण उसमें जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी वो आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर तुम फोर्स को बढ़ाते जाओगे, उसकी डिफॉर्मेशन भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, इसका मतलब स्ट्रेस ज़्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो यही हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि उसमें जो आप स्ट्रेस क्रिएट करोगे, उसके कारण जो उसमें डिफॉर्मेशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। तो इसके बाद जो है हम इस प्रोपोर्शनलिटी को, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो है टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ हुक्स लॉ के आइडिया के बारे में जो मैंने आपको आइडिया शेयर किया है, तो ये आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।